नमस्कार दोस्तों, इस नए वीडियो में एक बार फिर से स्वागत है। मेरा नाम है सियाराम और आप देख रहे हैं टेक्निक बाज यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, यदि आप किसी भी कॉन्टैक्ट अपने मोबाइल के कॉन्टैक्ट नंबर पर किसी व्यक्ति का फोटो लगाना चाहते हैं, मान लीजिए किसी का मामा है, चाचा है, फूआ है या दीदी है, उनका फोटो यदि आपके पास है तो कैसे उनके कॉन्टैक्ट नंबर पर फोटो लगाइएगा ताकि उनका जो कॉल आए तो उनका फोटो डायरेक्ट शो हो जाए और आपको पहचानने में कोई दिक्कत ना हो और एक अच्छा भी लगता है। स्मार्टफोन यूजर के लिए एक स्मार्ट तरीका भी होना चाहिए। तो इस चीज़ को कैसे आप कर सकते हैं, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं और खासकर उन लोगों के लिए जो इन्फिनिक्स मोबाइल को यूज करते हैं। दोस्तों, अन्य मोबाइल में भी यही टेक्निक रहेगा बिल्कुल, लेकिन थोड़ा सा किसी मोबाइल का सेटिंग अलग रहता है तो उसमें थोड़ा सा अलग हो सकता है। तो उस पर यदि आपका कौन सा सेट है उस पर आप कमेंट कीजिएगा इस वीडियो में, तो हम आपको उसका पार्टिकुलर वीडियो एक अलग से ला देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। सबसे दोस्तों, यदि आपके कॉन्टेक्ट नंबर पर किसी का फोटो लगाना है तो आपको सबसे पहले इस डायलर वाले को ओपन करना होगा। ओपन करने के बाद दोस्तों देखिए, यहाँ पर पहले क्या होता था कि यहाँ पर किसी भी सेव नंबर पर भी आप फोटो लगा सकते थे, लेकिन अब ये सुविधा बहुत कम मोबाइल में मिलती है। जो पुराना मोबाइल है उसी में ये सुविधा आती है। जैसे कि यहाँ पर हम क्लिक कर दिए और यहाँ पर हम टाइप करके कोशिश करेंगे कि यहाँ पर फ़ोटो लगा दें तो ये नहीं लगेगा। यहाँ पर एडिट पर भी हम क्लिक करके कुछ कोशिश करें तो नंबर केवल एडिट होगा, लेकिन यहाँ पर ये ऑप्शन नहीं आ रहा है। लेकिन कैसे यहाँ पर फ़ोटो आप लगा सकते हैं उसका मैं तरीका आपको बता रहा हूँ, ठीक है। वीडियो में आप बने रहें और लास्ट तक वॉच करते रहें। यहाँ पर जब डायलर आपका ओपन होगा तो जिस नंबर को आप सेव करना चाहते हैं फर्स्ट बार, उसे यदि इसमें सेव करके रखे हैं तो उसको एक कॉपी पर लिख लीजिए और यहाँ से डिलीट कर दीजिए, ठीक है। सबसे पहले ये काम आपको कर लेना है यदि उस पर फोटो लगाना चाहते हैं तो। अब कॉपी पर लिख लीजिएगा, उसके बाद आपके पास हो जाएगा। तो यहाँ पर आप डायलर पर क्लिक कीजिएगा और उस नंबर को डायल कर लीजिएगा। मान लीजिए हम एक ही कोई नंबर यहाँ पर डायल कर लेते हैं। सॉरी, यहाँ पर ये नंबर हमने डायल कर दिया। डायल करने के बाद दोस्तों ऊपर में आपको देखिए क्रिएट न्यू कॉन्टैक्ट ऐड टू ए कॉन्टैक्ट का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर क्रिएट न्यू वाले पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर नाम डालना है, लेकिन थोड़ा सा रुकिए, अभी फ़ोटो लगाने का देखिए यहाँ पर भी कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर सेव टू सीव टू यहाँ पर दिखा रहा है, यहाँ पर आपको क्लिक करना है और अपने ईमेल पर आ जाना है। ईमेल पर जैसे ही आइएगा और यहाँ पर मोर डिटेल पर क्लिक कीजिएगा तो यहाँ पर देखिए फ़ोटो लगाने का ऑप्शन जो है आपके सामने शो हो जाएगा। तो यहाँ से आप उस व्यक्ति के फ़ोटो कैप्चर कर सकते हैं, सामने है तो, नहीं तो उससे आप व्हाट्सएप पर मंगा सकते हैं और अपने गैलरी में जाकर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर हम चलते हैं गैलरी में और यहाँ पर फ़ोटो एक हम ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसे सेलेक्ट कर लीजिए और सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों इस तरह से अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा। इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं, अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ पर हम एडजस्ट करने के बाद देखिए यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पर सेव वाले पर आप क्लिक कर दीजिएगा। अब देखिए ये फ़ोटो जो है यहाँ पर आ गया, यहाँ पर नंबर हो ही गया। यहाँ पर आप फर्स्ट नाम, यहाँ पर लास्ट नाम डाल सकते हैं। चलिए मैं कुछ भी डाल देता हूँ, ये कोई नंबर लगने वाला नंबर नहीं है, आप ट्राई मत कीजिएगा क्योंकि मैं अंदाज से सही डाल दिया हूँ। यहाँ पर हम नंबर कोई नाम अपना डाल देते हैं जो भी है, लास्ट नाम में कुछ भी डाल देते हैं, ठीक है। डालने के बाद दोस्तों यहाँ पर सेव का ऑप्शन आ रहा है, यहाँ पर हम सेव कर दिए और देखिए ये मेरा यहाँ पर सेव हो गया। तो ये था पूरा तरीका, यदि इसको समझ लिए हैं तो आपका ये समस्या जो है ठीक हो गया। अब किसी का भी कॉल आएगा तो डायरेक्ट फ़ोटो यहाँ पर शो होगा, मतलब कि जिस व्यक्ति के कॉन्टेक्ट पर आप फ़ोटो सेव किए होंगे उनका यदि फ़ोन आएगा तो आपका यहाँ पर उसका जो फोटो है शो हो जाएगा। तो ये था पूरा तरीका दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।